हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिजवान खान है और मेरे YouTube चैनल का नाम है आवर लैंग्वेज स्कूल। दोस्तों सबसे पहले तो आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि इन दिनों मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, इस वजह से मैं वीडियो बहुत देरी में बना पा रहा हूँ, लेकिन आपके कमेंट्स में ज़रूर पढ़ता हूँ क्योंकि स्पैनिश भाषा में खुद को कैसे किसी से मिलेंगे, तो सबसे पहले हालचाल तो लेंगे ना, अपने बारे में तो बताएंगे और वो आपसे कुछ सवाल पूछेगा तो उसके बारे में आपको पता तो होना चाहिए। आपकी इस समस्या का समाधान मेरी इस वीडियो में है, लेकिन अगर मैं आपकी समस्या का समाधान कर रहा हूँ तो आप भी मेरी समस्या का समाधान करिए। मेरे सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी इस वीडियो पे जो लाइक का बटन दिख रहा है इसको जल्दी से दबा दीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी अंत में। और पिछली वीडियोस को देखना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तब समझ लीजिए कि बहुत मुश्किल हो जाएगा सीखना, तो इसलिए आप रिवाइज़ ज़रूर करिए। तो इस उपदेश और इस ज्ञान के बाद चलिए हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, सीखते हैं स्पैनिश हिंदी माध्यम से। तो दोस्तों सबसे पहले हम किसी से मिलते हैं तो हम कहते हैं हेलो, नमस्कार और हाय। इसको स्पैनिश भाषा में कैसे कहते हैं? ओला। ओला लिखा एच ओ एल ए होता है, होला नहीं होता है, एच साइलेंट होता है। जब भी एच शुरुआत में आता है स्पैनिश भाषा में तो वो साइलेंट होता है, तो इसलिए हम बोलेंगे ओला, ओला विद स्माइल, ओला ओला। फिर उसके बाद हम पूछते हैं कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो वो स्पैनिश भाषा में कहेंगे कोमो ते जामास, कोमो ते जामास, कोमो ते जामास, कोमो ते जामास। इसको बहुत लोग यामास भी बोलते हैं, कोमो ते यामास या कोमो ते जामास, कोमो ते यामास। ये डबल ए लिखा है तो ल्यामास नहीं बोलेंगे, कोमो ते जामास, कोमो ते जामास। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क के जैसा आप प्रोनाउंसिएशन रखेंगे, कोमो ते जामास, है ना, आपका नाम क्या है, इस तरह से कोमो ते जामास। अब इसका आंसर कैसे देंगे? इसका आंसर देंगे माय नेम इज रिजवान, मे जामो, मे जामो, रिजवान, मे जामो, मे जामो, या फिर मे यामो, मे यामो रिजवान, मे जामो रिजवान। अगला है वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं भाई, तो इसको कैसे स्पेनिश भाषा में बोलेंगे, दे दोंदे एरेस, दे दोंदे एरेस, दे दोंदे एरेस, दे दोंदे एरेस। इसका आंसर कैसे देंगे, आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से हूँ, सोए दे इंडिया, सोए दे इंडिया, सोए दे इंडिया। अगला सवाल, अरे भाई भारत में कहाँ रहते हो, मतलब वेयर डू यू, डू यू, दोंदे वीबेस, दोंदे वीबेस। इसको कैसे आंसर देंगे, इसको देंगे आई लिव इन लखनऊ, बीबो एन लखनऊ, मैं लखनऊ में रहता हूँ, बीबो एन लखनऊ, बीबो एन लखनऊ। अगला है भाई आपकी उम्र कितनी है, वैसे उम्र पूछेंगे नहीं चाहिए लेकिन चलिए हम पूछ लेते हैं, हाउ ओल्ड आर यू, क्वांटोस आन्योस टीएनएस, क्वांटोस आन्योस टीएनएस। इसको बोलेंगे आन्योस, क्वांटोस आन्योस टीएनएस। इसका आंसर कैसे देंगे, आई एम 26 ईयर ओल्ड, मैं 26 साल का हूँ, तो इसको कैसे कहेंगे, टेंगो 26 आन्योस, टेंगो 26 आन्योस। अब देखिए अगर आपको नंबर्स स्पैनिश में नहीं आते अब ये आंसर देना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं नंबर्स वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको ज़रूर से ज़रूर लर्न करिएगा, बहुत आसान तरीके से मैंने नंबर्स को सीखने की एक वीडियो बनाई है, उसको देखना मत भूलिएगा। तो चलिए अगला हम अगला सेंटेंस लेते हैं, व्हाट इज योर प्रोफेशन, क्वाल एस टू प्रोफेशन, क्वाल एस टू प्रोफेशन, क्वाल एस टू प्रोफेशन, क्वाल एस टू प्रोफेशन। देखिए इसका आंसर देने के लिए मैं सबसे पहले बता दूं कि मैंने अभी तक प्रोफेशन की वीडियो नहीं बनाई, लेकिन अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अगर इजाज़त देंगे तो मैं वीडियो ज़रूर बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप के प्रोफेशन को स्पेनिश में कैसे बोलते हैं, ताकि आप उसको ऐड कर सकें, आंसर दे सकें। फिलहाल मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं एक हिंदी टीचर हूँ, आई एम अ हिंदी टीचर। तो सोए प्रोफेसर दे हिंदी, सोए प्रोफेसर दे हिंदी। अगर मैं फीमेल होता तो सोए प्रोफेसोरा, प्रोफेसर मेल, प्रोफेसोरा फीमेल, सोए प्रोफेसर दे हिंदी। हिंदी में भी वो लोग ऐसे डिलीट कर देते तो बोलते हैं हिंदी, हिंदी। अगला है व्हाट आर योर हॉबीज, तो क्योंकि एक से ज़्यादा हॉबीज हो सकती हैं, तो
What are your hobbies? ¿Cuáles son tus pasatiempos? ¿Cuáles son tus pasatiempos? ¿Cuáles son tus pasatiempos? ¿Esco kaise answer batayenge? To iska answer kaise denge bhai? Iska answer denge, I like traveling and listening music. मुझे देखो घूमना और गाने सुनना बहुत पसंद है. जिंदगी है क्या यार, घूमो और गाने सुनो. तो इसको कैसे हम स्पेनिश भाषा में बोलेंगे? Me gusta viajar, me gusta viajar y escuchar música. Me gusta viajar y escuchar música. Me gusta viajar y escuchar música. You can change according to your hobbies. अब एक और चीज, एक और सवाल आता है बहुत जरूरी कि भाई हाउ इज योर फैमिली, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? तो उसको कैसे बोलेंगे? कोमो एस्टा कॉम्पुएस्टा टू फैमिलिया. कोमो एस्टा कॉम्पुएस्टा टू फैमिलिया. कोमो एस्टा कॉम्पुएस्टा टू फैमिलिया. इसका आंसर दो तरीके से दे सकते हैं. पहला बहुत ही आसान कि वी आर सिक्स मेंबर्स इन माई फैमिली, हमारे परिवार में छः सदस्य हैं. तो हम कैसे कहेंगे? सोमोस सेइस एन मी फैमिलिया. सोमोस सेइस एन मी फैमिलिया. सोमोस सेइस एन मी फैमिलिया. अब दूसरे तरीके से कैसे इसका जवाब देंगे? इसको कहेंगे मी फैमिलिया एस दे मी पापा मामा दोस अरमानास ई उन अरमानोस. मतलब मेरे परिवार में पापा मम्मी दो बहनें और एक भाई है. तो इसको कैसे स्पेनिश भाषा में कहेंगे? फिर से सुनिए. मी फैमिलिया एस दे पापा मामा ई दोस अरमानास ई उन अरमानो. जब एक है तो अरमाना, जब दो हैं तो अरमानास. उसी तरह से जब भाई एक है तो अरमानो, और जब दो भाई हैं तो अरमानोस. तो इस तरह से आप अपनी फैमिली को भी डिफाइन कर सकते हैं. अंत में आप क्या कहेंगे भाई? मिलके अच्छा लगा. तो उसको कैसे स्पेनिश भाषा में कहेंगे? मुचो गुस्तो. मुचो गुस्तो. मैंने आपसे कहा मुचो गुस्तो, तो पहले हम कहेंगे, मैं कहूँगा आपसे मुचो गुस्तो. मुचो गुस्तो. तो आप रिस्पॉन्स में कहेंगे इट्स माई प्लेजर. स्टाइल से बोलिएगा. तो इसको स्पेनिश भाषा में बोलिएगा एल गुस्तो एस मियो. एल गुस्तो एस मियो. एल गुस्तो एस मियो. तो दोस्तों उम्मीद है, क्या मुझे तो यकीन है, वैसे कोशिश तो मैंने पूरी की है कि आपको ये वीडियो पसंद आए. फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं. और अगर ये वीडियो आपने ध्यान से देखी तो आप इस सवाल का आंसर दीजिए. मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ लेकिन आपको आंसर स्पेनिश में देना है. दोंदे वीवेस, वेयर डू यू लिव, दोंदे वीवेस. इसका आंसर देना है, याद रखिए. इसका आंसर जैसे आई लिव इन लखनऊ, तो आपको बताना है आई लिव इन लखनऊ को स्पेनिश भाषा में कैसे बोलेंगे? वीवो एल लखनऊ. तो आपको स्पेनिश भाषा में इस आंसर का जवाब देना है, याद रखिएगा. तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो. अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं और कैसे हम लोग किसी को बधाई देते हैं. Please all my dear friends do not forget to like my video because your like is a big big motivation for me and I want to help so many people of the world for learning Hindi so do not forget to share my video with your friends on WhatsApp and Facebook. Please don't forget to press red button to subscribe my YouTube channel and also press the bell icon for getting notifications of my new uploaded videos.